new, inshallah, till the right to self-determination will be given to the people of Jammu and Kashmir. ये हमारा नारा है और इसी नारे के साथ मैं आपसे और कहूंगा कि अब क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, ये जो मैंने बातें आपसे कही हैं इनको याद रखिए और इस जुद्दजहद के साथ उसी तरह वाबस्ता रहिए जिस तरह आज अपने आप लोगों ने इस शहीद के साथ और जुद्दजहद के साथ अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा किया है। मैं नारे दूंगा शहीद आरिफ और शहीद बिलाल, तमाम शहदा जो हैं ये मरते नहीं हैं, ये जिंदा हैं। तमाम शहदा के लिए हम ये नारा देते हैं कि तमाम शहदा जिंदा हैं, जिंदा हैं, तमाम शहदा जिंदा हैं। जैसा कि अल्लाह ने वादा फरमाया है, जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यकीन दहानी की है और हम ये बात ऐलानन कह देना चाहते हैं कि शहादा की जो वरासत है उनके वारिस जिंदा हैं। शहादा के वारिस जिंदा है, जिंदा है। दोनों दोनों हाथ ऊपर उठाकर शहादा के वारिस जिंदा है, जिंदा है। शाबाश, मैं नारे दूंगा, आप हर एक नारे का जवाब दीजिए दोनों दोनों हाथ ऊपर उठाकर। जो हाथ नहीं उठाएगा उस पर शहादा की रूहें नाराज हो जाएंगी। नारे तकबीर, सब लोग हाथ ऊपर उठाएं, सब लोग हाथ ऊपर उठाएं दोनों दोनों। नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी। आजादी का मतलब क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी आजादी सेकुलरिज्म के लिए नहीं, हमारी आजादी कश्मीरियत के लिए नहीं, हमारी आजादी सोशलिज्म के लिए नहीं, हमारी आजादी कम्युनिज्म के लिए नहीं, हमारी आजादी नेशनलिज्म के लिए नहीं है, हमारी आजादी किसी शख्स परस्ती के लिए नहीं है। हमारी आजादी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए है। आजादी का मतलब क्या, आजादी का मतलब क्या, आजादी का मतलब क्या। मैं कहूंगा उसके वारिस आपके ये जिंदा हैं, जिंदा हैं। शहदा के वारिस जिंदा हैं, जिंदा हैं। शहदा के वारिस जिंदा हैं, जिंदा हैं। शहदा के वारिस जिंदा।